ओके गाइस, वी आर गोना कंटिन्यू विद द टॉपिक। टॉपिक का नाम है काइनेटिक थ्योरी। अच्छा सूरज, अच्छा हुआ वो जब शिप्रा भी मिस ने ज्वाइन किया तभी तूने भी ज्वाइन किया। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं तेरे को लेक्चर एंड होने से पहले वाइवा लेने ही वाला हूँ तेरा। अभी ज्वाइन हुआ तो कोई बात नहीं, लेट नो प्रॉब्लम, मेरे को याद है। इफ आई फॉरगेट समबडी रिमाइंड मी बिफोर 10 मिनट्स, हाँ बिफोर लेक्चर एंड, सीक्रेटली मैसेज कर देना, आई वॉन्ट श्योर टेक सर। यूर नेम। ठीक है, तो व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना स्टडी काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। एंड इन द लास्ट लेक्चर वी स्टडीड टिल दिस पॉइंट, करेक्ट? वीआरएमएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, देन क्या कहता हूँ, काइनेटिक एनर्जी का भी इक्वेशन किया था, एंड वी इवन हाँ सॉल्व सम सर। एंट्रेंस के क्वेश्चन। आर वी डन, अच्छा ये भी हुआ था ना, लॉ ऑफ हाँ इक्विपार्टीशन, हो गया ये टॉपिक था। नहीं हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। Now नहीं हुआ this is a है। very fun topic. Trust me, you are gonna enjoy it, अगर आपको समझा तो। Okay, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? आपको दिया गया फ्रीडम इन लाइक मल्टीपल वेज। फॉर एग्जाम्पल, देर इज समबडी जिसको फ्रीडम दिया है डांसिंग करने के लिए, तो ही हैज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ही कैन डांस, मिल गया। उसके बाद उसको खेलने के लिए फ्रीडम दिया, तो ही हैज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, समथिंग लाइक दैट। वॉट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? इट इज द फ्रीडम गिवन टू समथिंग, जो वो चीज करना चाहता है वो कर सकता है। तो मॉलिक्यूल्स को भी फ्रीडम होता है, मॉलिक्यूल्स कैन डू समथिंग, ओके? एंड दैट काइंड ऑफ फ्रीडम हम लोग डिग्रीज में कैलकुलेट करते हैं। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, देयर इज वन मॉलिक्यूल, ओके? देयर इज वन मॉलिक्यूल। नाउ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज अलाउड टू ट्रांसलेट अलोंग अ सिंगल एक्सिस। तो मान के चलो कि मैंने इसको परमिशन दिया है या फिर ये कर सकता है ट्रांसलेशन अलोंग दिस गिवन एक्सिस, तो वो ना एक्स एक्सिस के ऊपर मूव कर सकता है, भले वो राइट जाए लेफ्ट जाए दैट डजंट मैटर, बट इट कैन ट्रांसलेट अलोंग सिंगल एक्सिस। तो आप क्या बोलते हो ये मोशन को, 1 डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन बोलते हो, याद है? हाँ यस। हाँ, तो ये अगर 1 डायमेंशनल मोशन है तो मतलब इसी का दूसरा नाम है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मतलब मैंने इसको अलाउ किया है कि बाबा तू एक्स एक्सिस में ट्रांसलेट कर सकता है, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट यू टू डू, ओके? अभी सेकेंड वाला होता है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो इमेजिन इट दिस वे, इफ यू हैव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ओवर हियर, ओके? सो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, देन व्हाट इज गोना हैपन इन दिस पर्टिकुलर केस, आपका मॉलिक्यूल कहीं पे भी ऊपर नीचे ट्रांसफर कर सकता है, तो इट इज अलाउड टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। इन दैट केस वी से इट हैज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इफ वी कंसिडर 3 एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, देन मॉलिक्यूल कैन एक्चुअली मूव एनी वेयर इट वॉन्ट्स टू। वो यहाँ पे भी मूव कर सकता है, ऐसे ऐसे यहाँ पे भी मूव कर सकता है, कहीं पे भी मूव कर सकता है, लाइक दिस। सो दैट मीन्स इन दिस केस वी से दिस मॉलिक्यूल हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। From now onward, rather than writing it as degree of freedom or DOF, I will be using symbol F. F doesn't indicate force over here, it indicates degree of freedom. So F equals to 2 represents degree of freedom 2 है. F equals to 3, degree of freedom 3 है. आपने एक शॉर्टकट यहाँ पर नोटिस किया, जितने एक्सिस उतना डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो इट टेल्स मी वन लॉजिक, वन एक्सिस रिप्रेजेंट्स 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे यहाँ पे 3 एक्सिस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है 3। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? या सर, वन क्वेश्चन। व्हाट इफ इट या डजंट व्हाट इफ इट डजंट ओबे? मतलब इफ यू आर इट हैज टू गिविंग, मूव, इट हैज टू मूव, लेट मी टेल यू। बट इट्स अ एक्चुअली आई एम पार्टिकल सेइंग, नो। आई एम अलाउइंग इट, इट्स नॉट लाइक कि आई एम स्पेसिफिकली सेइंग कि भाई तू एक्स एक्सिस पे ही मूव करेगा। सो इट्स नॉट लाइक कि मैं उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ, यू आर टोटली करेक्ट, इट्स द पार्टिकल दैट इज मूविंग। बट इफ द पार्टिकल इज चूजिंग टू मूव अलॉन्ग एक्स एक्सिस ओनली, देन वी से इट हैज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, गेटिंग इट? तो मैंने वो So वैसे it's वे में doing this on its own, right? ऑन You are इट्स not ओन, giving ऑन it इट्स ओन, या forward, बट वी कैन प्ले विद इट, लेट मी टेल यू हाउ। तो you समझो know? तेरे पास एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल के पास ना 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब वो बेचारा एक ही एक्सिस पे पास हो रहा है। अभी वो क्यों एक ही एक्सिस पे पास हो रहा है, दैट इज नन ऑफ अवर कंसर्न, वो जस्ट एक ही एक्सिस पे पास हो रहा है। तूने उसको एनर्जी प्रोवाइड किया, सो यू आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ हीट टू इट और एनी अदर काइंड ऑफ हीट, ओके? अवनीश उठ के लेक्चर देखो।
बैठ के लेक्चर देखना है। हाँ तो अभी अगर समझो यू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ एनर्जी टू इट, तो क्या कर रहे हो आप बेसिकली, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो वो मॉलिक्यूल के पास जा रहा है, और अभी ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग मूव नहीं करेगा, नाउ इट विल स्टार्ट टू मूव लाइक दिस, तो मतलब दो एक्सिस के अलोंग मूव करेगा। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज यू हैव प्रोवाइडेड सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी टू दिस मॉलिक्यूल। आप एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज होना चाहिए, तो पहले वो जो सीधा जा रहा था अभी वो 2D कर रहा है, तो और एनर्जी प्रोवाइड कर वो 3D में मूव करेगा। आर यू गेटिंग इट? सो इनडायरेक्टली यू कैन कंट्रोल इट, बट ऐसे डायरेक्टली तो उसको बोल नहीं सकती, यू हैव टू प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हीट। इज इट क्लियर? यस सर। ओके तो ये आपको समझा, बट फिर आपके दिमाग में एक चीज नहीं आई, सर ये तो समझा आपने 3D तक, सर मैं और ज्यादा हीट प्रोवाइड करूँ तो क्या वो 4D में चला जाएगा? सी 4D स्पेस में नहीं होता, इट्स टाइम, बट वो टाइम में नहीं चला जा सकता। तो क्या होगा अगर आप और ज्यादा हीट प्रोवाइड करोगे तो ना, कैन यू सी दिस कप ऑफ, जो भी कप है वो दिख रहा है आपको, है ना? यस। नाउ सी, इनिशियली इट वॉज जस्ट ट्रांसलेटिंग लाइक दिस, दिस इज वॉट वी कॉल एज 1 degree ऑफ फ्रीडम। Even if it translate along y-axis only, we call it as 1 degree of freedom, है ना, molecule. But अगर यही molecule टेढ़ा जा रहा है, तो it is traveling along x, traveling along y as well, so 2 degree of freedom. अगर समझो 3 degree of freedom achieve करने के बाद, you are providing more heat to it, what is gonna happen? Object travel तो करेगा, but at the same time, can you see what is happening? Rotate भी करेगा. So initially na, it only translates, but as soon as you provide heat to it, it starts rotating. Okay? So Earth ka revolution le sakte hai na? But Earth ka revolution ke liye tujhe fir Earth hamesha spherical rotated hota hai na? Matlab circular orbit mein rotated hota hai na? Ya fir elliptical? मॉलिक्यूल थोड़ी एलिप्टिकल ऑर्बिट में, मॉलिक्यूल किधर भी जाता है, इसीलिए तो मैक ने वो क्वेश्चन पूछा कि रैंडम मोशन होता है ना उसका, हाउ कैन यू कंट्रोल इट? That's why I said I can't control it directly, but I have to provide some kind of heat to it, so that way I can reduce or increase the degree of freedom. So ek way to aapko samjha. Acha, samjho aapne vertical axis y liya. So ye molecule along which axis rotate ho raha hai? Y axis. Y. Getting it? But ruko ek minute, abhi girne wala tha. But what if the axis is over here? Yahan pe. Can you see x axis? ये x axis है ना? तो x axis के along कैसे rotate होगा? Are you getting the logic? ऊपर नीचे। हाँ मतलब ऐसे ही गोल घूमेगा। तो मतलब ऐसे गोल। You didn't get? क्या मतलब? कौन सा axis नहीं समझा? Y की है। x axis ऐसे ऊपर नीचे घूमेगा, how? ये x axis है। मैं बोल रहा हूँ x axis के along ऐसे गोल घूमेगा। Now I'm not gonna take this. x axis के along कैसे घूमेगा देख? Can you see now? हाँ तो मतलब if you change the axis, the rotation is changing. Sometimes what happens, it tries to rotate along x as well as y axis together. मतलब वो आड़ा टेढ़ा ऐसे cross में rotate होता है. Getting it? ऐसे rotate हो. So बोलना. Sir, x axis के लिए आपने बोला from left to right rotate होगा, वो ऐसे गोल गोल. ऐसा कुछ नहीं, सुन वो left to right भी जा सकता है, right to left भी जा सकता है. हाँ वो, और वो y axis के लिए बोला मैंने. और y axis के लिए मतलब वो ऊपर नीचे? नहीं नहीं, ये y axis ना, about y axis होगा तो ऐसे घूमेगा. मैं समझ नहीं रही हूँ आप क्या बोल रहे हो. कंफ्यूज हो रहा है. ये कौन सा एक्सिस है बता? y एक्सिस है, तो अलोंग y एक्सिस कैसे घूम रहा है? कैसे घूम रहा है? गायब हो गए. कैसे? ये देखिए y एक्सिस है and it is whirling like this, can you see? हाँ सर, ग्लास के अंदर पेंसिल डाल दो, बोलो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस पे निकालते हैं. हाँ वही लाइन पे नहीं घूमेगा, सीधे लाइन पे घूमेगा. तो मतलब ये कैसे घूमेगा? ये ऐसे घूमेगा ना, can you see in the, on the screen? तो ये अलोंग y एक्सिस है, अलोंग x एक्सिस कैसे घूमेगा? अगर तेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे एंड इफ यू पास एक्सिस थ्रू इट, हाउ विल इट बी रोटेटिंग? सॉरी अभी समझा कि नहीं तेरे को?
या तो ऐसे रोटेट होगा या तो ऐसे रोटेट होगा, मतलब ऐसे। अच्छा तो मैंने उल्टा बोला। हाँ हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्या ये क्लियर हुआ कंसेप्ट रोटेशनल कैसे आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो पहले ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है। एंड अभी तुम लोग बोलोगे सर व्हाट इफ वी प्रोवाइड मोर एनर्जी, देन व्हाट इज गोना हैपन? तो इन दैट केस वाइब्रेशन आ जाता है। तो अभी वो पार्टिकल एड़े जैसा मूव करता है, मतलब ना देखो वो क्या कर रहा है पता है, वो ट्रांसलेट भी कर रहा है, वो रोटेट भी कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम इट इज वाइब्रेटिंग। कैन यू सी द कप मूविंग? So it is rotating, translating as well as vibrating. So तीनों की तीनों चीजें वो करता है। तो वैसे केस में पार्टिकल के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। अभी कैसा होता है ना, आपने रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन के लिए क्या सीखा कि वन एक्सिस रिप्रेजेंट्स वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर इसको कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे ट्रांसलेशनल का ट्रांसलेट होता है ट्रांसलेशनल, रोटेट का रोटेशनल, तो वाइब्रेट का क्या बोलेंगे? वाइब्रेशनल। बट वाइब्रेशनल डिग्री पूरा ही तेरा कैमरा ब्लैक दिख रहा है, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, आई हैव बीन नोटिसिंग इट फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम। मेरे को सर केतारम पूरा ही सर सर यू प्रोवाइड द मोर द कॉम्प्लेक्स इट विल गेट नो या द मोर कॉम्प्लेक्स मोशन इट विल गेट योर कैमरा शुड बी ऑन मैक्स सर इतने डाउट्स पूछ रही हूं डोंट यू गेट इट आई एम पेइंग अटेंशन नहीं नहीं कोई बात नहीं फिर भी मेरे को कैमरा ऑन ही चाहिए अच्छा लग रहा है मेरे को आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू बट स्टिल योर कैमरा शुड बी ऑन शाफी आई कांट सी ब्लैक स्क्रीन ओनली आई नीड टू सी ओके अभिषेक मैसेज कहाँ पे सेंड किया होस्ट पे नहीं भेजने का पीटीएम पे भेज ठीक है। So one axis represents one degree of freedom. अच्छा उससे मेरे को बीच में कुछ याद आया। Where is Tanvi? Tanvi, are you there in lecture? Yes, sir. Many many happy returns of the day. Thank you so much. Happy birthday. थैंक यू सर बर्गर रह गया है अपना याद रखना अंधेरी वालों भूलना मत नहीं तो बाद में देंगे हां सर अच्छे से याद है हां सर देने वाले हूं नेक्स्ट लेक्चर ओके कल हम भूखे चले गए घर पर मैं बोल रही थी तुम लोग को तेरे को पता है ये लोग ने खाना इसलिए नहीं खाया था क्योंकि तेरा बर्थडे था सर ब्रेक ही नहीं मिला ऐसे बोलो चलो लेट्स कंटिन्यू वन एक्सिस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम ये किसके किसके लिए ओबे होता है ये ओबे होता है ट्रांसलेशनल के लिए और किसके लिए रोटेशनल के लिए बट फॉर वाइब्रेशन द लॉ इज चेंज वाइब्रेशन के लिए एक एक्सिस पे हमें दो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलते हैं मतलब वन एक्सिस को टू डी ओ एफ काउंट करते हैं ये रूल है व्हाई इट इज रूल आई विल टेल यू थ्रू इक्वेशंस डोंट वरी अबाउट दैट बट याद रखना ट्रांसलेशनल के लिए एक डिग्री ऑफ फ्रीडम एक एक्सिस के लिए मिलता है बट वाइब्रेशन के लिए कितना मिलेगा टू अच्छा टोटल मैक्सिमम कितने एक्सिस पॉसिबल है थ्री तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल में पॉसिबल है थ्री सिक्स एक एक्सिस दो डिग्री ऑफ फ्रीडम रिप्रेजेंट कर रहा है तो थ्री एक्सिस कितना रिप्रेजेंट करेगा थ्री टाइम्स सिक्स तो दैट मीन्स ट्रांसलेशनल में मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री होता है रोटेशनल में भी थ्री होता है एंड वाइब्रेशनल में होता है सिक्स ओके नाउ दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम आर लाइक वॉकिंग ऑन द स्टेयर्स तो हम लोग ना अभी तुम लोग बोलोगे सर मैं तो चढ़ता हूँ स्टेयर्स है समझो और स्टेयर्स में क्या करना है यू हैव टू क्लाइंब वन बाय वन सो दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यू कैन नॉट स्किप लेट्स जस्ट सेट अ कंडीशन यू कैन नॉट स्किप द स्टेयर्स नहीं तो बोलोगे सर मैं दो छोड़ के चढ़ जाता हूँ मेरे में टैलेंट है करके No, don't go for that. Okay, you have to climb the stairs properly, like one by one by one. Okay, so abhi suno, pehle starting mein you will get one degree of freedom translational. Okay, so we will write F equals to one, then F equals to two, then F equals to three. That means pehle translational ke teen steps chadoge. So pehle translational ke teen degrees occupy honge. Then and then only rotational aayega.
तो यहाँ पे आएगा रोटेशनल का फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर आएगा रोटेशनल का सेकेंड, फिर आएगा रोटेशनल का थर्ड, एंड देन यू विल गो इन टू वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन का सीढ़ी बड़ा है ना, तो एक टाइम पे क्या आते हैं दो डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाउ आर यू गेटिंग द लॉजिक? यस। नो। क्या नहीं समझा बता बड़ी को, कौन सा स्टेप नहीं समझा? आई नॉट गेट, सी आई गॉट द एक एक स्टेप चलने वाला पार्ट टिल द एग्जांपल, उसके बाद व्हेन यू अप्लाइड इट टू द द F1 जो भी है। अरे F मतलब, F मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो रेड वाला है वो ट्रांसलेशनल बता रहा है पहला। तो ट्रांसलेशनल का फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब फर्स्ट स्टेयर, ट्रांसलेशनल का सेकंड मतलब सेकंड स्टेयर, ट्रांसलेशनल का थर्ड मतलब थर्ड स्टेयर। तो जैसे हम लोग वन बाय वन स्टेयर चढ़ते हैं, सिमिलरली अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, 2, 3 ऑक्यूपाई होता है। मतलब समझा, पहले फर्स्ट ही भरेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर सेकेंड ही भरेगा, फिर थर्ड ही भरेगा। And what about the आगे वाले stairs? तो जब तीन ट्रांसलेशनल की सीढ़ियां तू चढ़ ली, तो उसके बाद क्या चढ़ोगे आप? रोटेशनल वाला स्टेयर चढ़ोगे। तो रोटेशनल का फर्स्ट आएगा, देन रोटेशनल का सेकंड आएगा, एंड सो ऑन। सोनिया, यू विल गेट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, आई विल सेंड इट इन ग्रुप अगेन। सो वाइब्रेशनल स्किप स्टेप्स होगा ना, वाइब्रेशन का स्टेप बड़ा होता है। तो वाइब्रेशन का जब तू एक स्टेप चढ़ती है, तो यू गेट 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। Okay, that's it guys. So you got the basic logic, basic ideology about degree of freedom. Let me revise what exactly degree of freedom is. Degree of freedom is nothing but the way, or let's say kitne ways mein molecule is allowed to move, allowed to roam freely. Okay, then there are actually 3 different type of degree of freedom: translational, rotational, vibrational. Abhi translational mein kya logic obey hota hai? One axis, one degree of freedom. That means if I'm talking about x-axis, then my degree of freedom will be 1. If I'm talking about x-y simultaneously, then my degree will be 2. But at this time, you have to remember ki whether I'm talking about 1D, 2D or 3 degree of freedom, molecule aage jaye, piche jaye, that doesn't matter. Okay, 1-axis, 1 degree of freedom. Toh bhale wo x-axis pe positive direction mein jaye, negative, that doesn't matter. Just remember 1-axis, 1 degree of freedom. Same logic is applied for rotational axis, rotational degree of freedom, and the last one is vibrational. Vibrational kya hota hai? Zyada energy hota hai usme. It actually has more energy. That is why we have to consider 2 degree of freedom at a single point. There is one more reason behind it, jo hum log dekhenge. Matlab actual reason. Agar real life mein kisi ko kya? मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया बेटा। इट्स नॉट मूविंग ओनली, क्या ऐप है रे ये? अगर रियल लाइफ में किसी को भी मरने का फ्रीडम हो, तो कौन से डिग्री के फ्रीडम में आएगा? इतने डिप्रेसिंग बातों का जवाब मैं नहीं देता। आई एम लाइक वेरी हैप्पी पर्सन, आई डोंट गो इनटू दैट दोस काइंड ऑफ आंसर्स। ओके ठीक है, बट इफ यू वांट टू डाई एट सम मोमेंट, मारने का, अच्छा मारने का डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो भी मैं एडवाइस नहीं देता, क्योंकि फिर तू बोलेगा कि सर ने एडवाइस दिया मेरे को, मेल अटैक जाएगा। ठीक है, वीडियो किसका ऑफ है? आर्ची वीडियो ऑन करो, दिशा वीडियो ऑन करो। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बोलना। सर ये आज कांदीवली के स्टूडेंट्स बहुत कम है, सिर्फ अंधेरी के लिए थे क्या ये लेक्चर? अंधेरी के लिए नहीं नहीं नहीं, कांदीवली के मैंने 3-4 स्टूडेंट्स को रिमूव कर दिया। जैसे कि गौरी तो नहीं, कुछ ज्यादा ही एब्सेंट है सर, 10-12 स्टूडेंट्स एब्सेंट है सर आज कांदीवली के। पता नहीं यार, कांदीवली में लिंक भेजा ना मैंने, हां रूबी आई है, बाकी लोग आए कांदीवली के। कुछ होमवर्क था क्या? नहीं बट होमवर्क का ऐसा पता ही नहीं था कि मैं होमवर्क, वाइवा था आज, ओरल था स्टार्टिंग, हां इसीलिए सब लोग नहीं आए। हां ओके, हाँ होमवर्क भी था बट वो
आधे लोगों ने इसमें क्या फॉर्मूला लिखने का होमवर्क था खाली, प्रैक्टिस आपका ही होगा, फिर भी बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम इन मोर प्रोफेशनल वे। क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम आर डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम कंप्लीटली। तो मैंने आपको इजी वे में बताया, बट देयर आर मल्टीपल डिफरेंट वेज टू डिफाइन इट मोशन। अभी मैं ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन एक्सप्लेन करता हूँ। अगर समझो एक मॉलिक्यूल है, अगर समझो एक मॉलिक्यूल है वो मूव कर रहा है कुछ इस तरह से, लेट्स से इट इज मूविंग लाइक दिस। अगर समझो आपको एग्जैक्टली ये बताना है कि ये मॉलिक्यूल कौन से लोकेशन पे है, यू वांट टू टेल इट्स लोकेशन, यू वांट टू टेल इट्स कोऑर्डिनेट, व्हिच क्वांटिटी विल यू रिक्वायर? ऑब्जर्व प्रॉपरली, ये क्या कर रहा है? वन डिग्री ऑफ मोशन। कौन सा? वन डिग्री ना, एक्स एक्सिस। हाँ, एक्स एक्सिस पे घूम रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू कंसिडर एक्स एक्सिस ओवर हियर। जब आप एक्स एक्सिस कंसिडर करते हो तो आपका मॉलिक्यूल अगर समझो यहाँ पे आया, सो यू कैन से ओरिजिन से थ्री पे है, सो कैन यू टेल इट्स पोजीशन नाउ? ओके, सो अभी डेफिनेशन देखते हैं फिर से। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम आर डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल का पोजीशन बताने के लिए हमने एक्स एक्सिस को लिया, so that is why our x-axis is actually degree of freedom. अभी logic समझा degree of freedom का definition से? तो वही है, one axis one degree of freedom, but हमने क्यों use किया वो बताते हैं। हमें particle का exact location find out करना है, for that to happen we have to take help of these coordinates, these attributes, different things. तो ये हो गया आपका KTG का definition, degree of freedom का definition. So, ये हाँ बोलना। So this entire thing about, you know, the degree of freedom was just developed to know the location. Like location, मतलब molecule का कैसा motion हो रहा है वो जानने के लिए। So degree of freedom concept is basically introduced so that you have greater knowledge about that molecule, that particle and so on. Okay? कौन यानी कर रहा है? फटके चाहिए लगता है। हाँ बोलो। Who developed it? Who developed it? I truly don't know that. इतना क्यों scientist का नाम याद रखे? मतलब लाइक मेरे को तीन चार साइंटिस्ट याद है जो मेन है, बाकी तो आई डोंट ओके। अच्छा गाइस, डू यू रिमेम्बर ये हाफ केबीटी करके मैंने इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी में सिखाया था लास्ट लेक्चर में? वो इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है। हाँ, एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे 3/2 केबीटी को क्या किया था, हाफ केबीटी, हाफ केबीटी, हाफ केबीटी, है ना, हाफ केबीटी। तो अभी सुनो, एवरी हाफ केबीटी गिव्स 1 डिग्री ऑफ। मैंने क्या बोला था, एवरी एक्सिस गिव्स 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ना, मैंने डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया, मैं बोल रहा हूँ एवरी हाफ केबीटी गिव्स 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज 1 एक्सिस हाफ केबीटी मींस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये शॉर्टकट है, इसको याद रखो, 1 एक्सिस हाफ केबीटी 1 डिग्री ऑफ। ऑल आर इक्वल टू ईच अदर ना? हाँ, ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, अबे ना मैं ट्रांसलेशन का एक्सप्लेन करने के लिए ना एक वे बताता हूँ आपको। आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता ही होगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। वेरी गुड, यू गाइस आर स्मार्ट। वाओ, 9th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला आपको आता है? वाओ, ये वाले फॉर्मूलास क्यों नहीं बताते अभी के रिसेंट? ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, वेरी गुड, यू हैव टू टेल मी द फॉर्मूला। बट ये वी जो है ना वो रैंडम डायरेक्शन में। अभी समझो मॉलिक्यूल अलोंग एक्स भी मूव कर रहा है, अलोंग वाई भी मूव कर रहा है, अलोंग जेड भी मूव कर रहा है। So that means it will have velocities like this, half mvx square plus half mvy square plus half mvz square. मैंने क्या किया आपने नोटिस किया? मैंने half mv square को divide किया, मतलब मैंने एनर्जी को डिवाइड किया। कैसे सर? इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। आप करना नहीं चाहते, अदरवाइज इट इज पॉसिबल। थ्री डायमेंशन में आई विल शो यू। देखो ये जो मॉलिक्यूल है ना, वो मॉलिक्यूल किसी रैंडम डायरेक्शन में जा रहा था। ओके, तो आपने क्या किया, ये जो रैंडम डायरेक्शन है उसके तीन टुकड़े किए। एक होगा अलोंग एक्स एक्सिस नोन एज वी एक्स, एक होगा अलोंग वाई एक्सिस वी वाई, एक होगा अलोंग जेड एक्सिस वी जेड। नाउ डू यू गेट इट व्हाट आई मीन? इसलिए मैंने वी एक्स वी वाई वी जेड किया। तो अगर समझो दिस वन इज 10 जूल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टोटल एनर्जी इज ऑल्सो 10 जूल, तो उसी 10 जूल को मैंने डिवाइड किया है। अभी क्लियर हुआ?
तो ये सब इक्वल रहेगा या कुछ को ज्यादा कुछ इक्विपोटेंशियल एनर्जी क्या बोलता है इक्विपार्टीशन एनर्जी क्या बोलता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना तो 10 का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा सो एवरी सिंगल वन ऑफ देम विल बी 3.33 3.33 3.33 सो इफ यू ऐड देम टुगेदर यू विल गेट 10 लॉजिक समझा यस गॉट इट ओके सो नाउ आई आल्सो टोल्ड यू दैट हाफ केबीटी वाला लॉजिक ना तो हाफ केबीटी तो वही चीज है कि देखो एवरी हाफ केबीटी विल गिव यू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो मेरा बोलने का पॉइंट है इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं बट बोलने का पॉइंट है कि देखो अलोंग एक्स एक्सिस यू हैव 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम अलोंग वाई एक्सिस यू हैव 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम अलोंग जेड 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ये जो सारी चीजें सीखा है उसमें आपको इन शॉर्ट क्या लेना है क्या इंपॉर्टेंट चीज आपने सीखी ओके तो उसमें आपने ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखा every single axis will give half kbt and half kbt means 1 degree of freedom every single axis will give half kbt 1 degree of freedom but exception kya hai vibrational okay wo main baad mein batata hu to ye stairs ka logic samjha pehle translational aayega fir rotational aayega fir vibrational aayega and my what is maximum translational degree of freedom 3 kyunki maximum axis 3 hote hai translational pure achhi tarah se samjha guys डाउट हाँ बोल बोलो ना अनिश आई कैनॉट सी योर फेस अदिति कैनॉट सी योर फेस फ्रीडम यूज क्यों होता है सर अरे ये देखिए अभी तो बोल रहे अभी फ्रीडम यूज क्यों होता है बोल रहे मैंने तो वही तो स्टार्टिंग में बताया था फ्रीडम का यूज क्या है सर क्यों है कोऑर्डिनेट एक मिनट में कोऑर्डिनेट बनाने लोकेशन बताने के लिए हाँ अभी बोल मैं सर आई डोंट अंडरस्टैंड वन स्टेटमेंट दैट यू सेड नाउ आई फॉरगॉट व्हाट इट वाज लाइक ट्रांसलेशनल हैज द हाईएस्ट डिग्री थ्री नो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम vibrational as the most right हाँ vibrational as is the most transitional जो transitional है उसमें highest 3 degree है उसमें हाँ transitional में we have 3 axes right x y z तो maximum translational degree of freedom कितना होगा 3 degree of freedom because we have 3 axes ना for translation so you can move along x y and z simultaneously तो maximum degree of freedom कितना हुआ 3 same rotational में 1 axis means 1 degree of freedom तो मैक्सिमम कितना हुआ 3 वाइब्रेशनल में ऑन द अदर हैंड 1 axis रिप्रेजेंट 2 degree ऑफ फ्रीडम सो दैट इज व्हाई 6 गॉट इट अवनीश सर एवरीवन इज स्लीपिंग एट माय होम आई विल कॉल योर पेरेंट्स एट होम और आपको उनको बोलेंगे कि इसके साथ कोई अवेक रहे सुबह या फिर आप लाइट में जाके कहीं पे जाके बैठ सकते हो बाहर अटेंड करो अभी कितना लाइट है बाहर आई एम नॉट एबल टू सी योर स्क्रीन आई विल रीजॉइन यू प्लीज अलाउ मी ओके माय हेड इज आल्सो पेनिंग ओके टेक केयर सर बोलना सर मतलब वो 3 रोटे ट्रांसलेशनल एक साथ नहीं आते वो मतलब पहले 3 different आएंगे ऐसे step wise gap लेके कैसे अगर समझ तू अगर समझ तेरा particle 2D motion कर रहा है तो वो simultaneously x and y में move हो रहा है ना तो x y साथ में आ रहा है नहीं नहीं अब समझे पहले translational आपने बोला फिर rotational फिर vibrational तो ऐसे आएगा मतलब sequence में पहले 3 ट्रांसलेशनल बाद में 3 रोटेशनल ऐसे हाँ हाँ वैसे ही आएगा पहले 3 ट्रांसलेशनल आएंगे अभी तो आपने वो अलग ड्रॉ किया है हाँ हाँ वही वही वो ये करेक्ट है लॉजिक तेरा मैंने किधर रॉन्ग बोला सर क्या बोला आपने मैंने कुछ नहीं बोला वही बोल रही थी शालू ओके ओके यू आर अलाउड टू डू सो रेडी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो 1 axis 1 degree ऑफ फ्रीडम 3 axis 3 degree ऑफ फ्रीडम अभी एक कंसेप्ट सिखाता हूँ मैं आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा रोटेशनल का बट आई एम गोना टीच यू एनीवे बिकॉज अपना नेक्स्ट टॉपिक वही है रोटेशनल मोशन
अच्छा बाय द वे द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोना स्टडी ना रोटेशनल डायनामिक्स इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज रोटेशनल डायनामिक्स के टॉपिक्स में आई गेस थ्री क्वेश्चंस आते हैं तीन क्वेश्चन नेट में टू टू थ्री गारंटेड ओके नेट में आते हैं बट लेट्स कंटिन्यू अबाउट काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का फॉर्मूला इट इज गिवन बाय हाफ I omega square, okay, where I is nothing but moment of inertia and omega is rotational ka velocity. Kaise aaya, kyun aaya, we'll see that in the next topic. But before that, I want you to understand same thing. Can you compare two formulas simultaneously? Similarities dekho, same hai. Ye v kya hai? Linear velocity. Since the object is rotating, it will have angular velocity. Getting it? Yes. तो ये वहां पे मास है यहाँ पे आई है मास को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं यू स्टडीड दिस थिंग इन नाइन्थ स्टैंडर्ड आल्सो व्हेयरएज आई को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया सो दिस फॉर्मूलाज आर एक्चुअली क्वाइट अलाइक सेम टू सेम सिमिलर टाइप के फॉर्मूलाज है सो यू नीड टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर लॉजिक हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एंड हाफ एम वी स्क्वायर ओके तो अभी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को भी आप कैसे डिवाइड कर सकते हो सो यू कैन राइट इट एज हाफ आई ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा ओके रूबी जेड स्क्वायर तो ये हो गया ओमेगा एक्स स्क्वायर ओमेगा वाई स्क्वायर ओमेगा जेड सो यू गॉट अलोंग एक्स अलोंग वाई अलोंग जेड ओके सिमिलरली वही लॉजिक हाफ के बी टी हाफ के बी टी हाफ के बी टी पॉइंट फिर वही आता है घूम करके कि फॉर एवरी हाफ के बी टी यू हैव वन डिग्री ऑफ फ्रीडम एवरी हाफ के बी टी वन डिग्री ऑफ फ्रीडम एवरी हाफ के बी टी वन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड सो ऑन क्या आपको रोटेशनल समझा यस सर ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम द रीजन लाइक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला कैसे पता मैं आपको ये बताता हूँ आपने ये वाइब्रेशन में क्या देखेंगे एवरी एक्सिस इंडिकेट्स टू डिग्री ऑफ फ्रीडम तो दो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया वन एक्सिस टू थ्री एक्सिस सिक्स एक्चुअल में वाइब्रेशनल एनर्जी का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कैन यू सी इट हाफ एम यू स्क्वायर इट्स लाइक हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के आर स्क्वायर के इज वाइब्रेशनल कॉन्स्टेंट एंड आर इज योअर पोजिशन ओके पोजिशन ऑफ दैट पार्टिकल आपको वो स्प्रिंग का फॉर्मूला याद है क्या स्प्रिंग के पास अगर एनर्जी आप कैलकुलेट करना चाहते हो हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर ट्राई टू कंपेयर दिस टू फॉर्मूलास एक्स और आर अलग है ना बस नाम चेंज है बाकी कंसेप्ट तो सेम गेटिंग द लॉजिक बिहाइंड इट ओके तो मेरा पॉइंट ये मतलब क्या होता है पोजीशन जैसे यहाँ पे एक्स होता है ना वैसे यहाँ पे आर होता है और इधर एक्स मतलब पोजीशन पोजीशन ही है ना मतलब कौन से पोजीशन पे है वो मोमेंट सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ ये इक्वेशन आपको रट्टा नहीं मारना आपको कंसेप्ट समझना है क्या कंसेप्ट है कि अगर आप ना काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल देखोगे लेट्स टॉक अबाउट ई ट्रांसलेशनल इट इज हाफ एम वी स्क्वायर लेट्स टॉक अबाउट ई रोटेशनल इट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एंड ये वाइब्रेशनल देखो ट्रांसलेशन में स्क्वायर का एक ही टर्म है रोटेशनल में स्क्वायर का एक ही टर्म है बट वाइब्रेशन में देयर आर टू स्क्वायर टर्म Can you see that? Yes. U square भी आया, R square भी आया, एक ही साथ आते हैं. And this is the reason vibration में एक axis पे आपको two degree of freedom आते हैं. Translation में एक square term, rotation में एक square term, vibration में कितने आते हैं? U square, R square. Done? समझा पक्का? हाँ. Where are these formulas coming from? Okay. First of all, half mv square you already studied. Half I omega square, yeah. We are going to study it in the rotational motion topic. Okay, and this formula, you don't have it in your syllabus. Okay. Okay, chalo. So, ho gaya? Let us now do something fun. Estimation of degree of freedom. This particular topic, I'm teaching you for entrance. Okay, so estimate kaise karte ki kaun sa degree of freedom hota hai. The formula that we are going to use is F equals to 3N minus K. I want you to observe this formula carefully or abhi ke abhi isko ratta kar do.
Also, I want you to pick up book. And book में कुछ solve करना है ये formula के base. F indicates degree of freedom, N indicates number of atoms, and K indicates number of relations. Number of relations मतलब bonding कितना है. Why are you smiling? ठीक है चलो. तो F का formula is 3N minus K. Number of relation क्या है? ओके नंबर ऑफ रिलेशन इज कितने कनेक्शन करता है. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ना, मैं एक एग्जांपल सॉल्व करता हूँ फिर आप देखोगे कैसे मैं क्या बोल रहा हूँ. रेडी फॉर्मूला याद हो गया रट्टा हो गया. एफ इक्वल्स टू 3n माइनस के. पहले जो हम लोग देखने वाले हैं वो है मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल्स. मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल्स आर लाइक फॉरएवर अलोन गाइस. उनको अकेला रहना पसंद होता है मेरे तरह. हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन और जेनॉन और कुछ मेरे समझ गए ना लॉजिक मैं क्या बोल रहा हूँ. इसलिए क्या? हाँ जो सिंगल रहते हैं मोस्टली सोलो सोलो. ओके तो मोनो एटॉमिक में अगर देखोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो आपका फॉर्मूला है 3n माइनस के. टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यू आर कंसिडरिंग एट अ टाइम. वन एन मतलब नंबर ऑफ एटम है एक्चुअली सॉरी. तो ये वन हो गया. After that K, अगर वो बंदा सिंगल है तो किसके साथ रिलेशन करेगा तो K का वैल्यू विल बी जीरो. सो F विल बी इक्वल्स टू 3 इनटू N के जगह 1 माइनस 0. आंसर विल बी 3. आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिला. सर वो आपने थर्मो में पढ़ाया था जो वो सेम कॉन्सेप्ट है क्या. ये थर्मो में मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा डाला था याद है बट हाँ, वहां पे मैंने एक्सप्लेन हाँ. नहीं किया था वही कॉन्सेप्ट है. तो वहां तो आपने डायरेक्ट वैल्यू बोला था रट्टा मार दे. हाँ और यहाँ पे अभी सिखा रहा हूँ. सर यू रिमेम्बर राइट नाउ 3 इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर व्हाट मोनो फॉर दैट मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल. समझ रही है. ओके सो नाउ नाउ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम. कौन से 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले भरते हैं मतलब ट्रांसलेशनल कांस्टेंट आएगा ना वो चेंज होगा ना एन और के. नहीं so that is why the attitude it will change for different molecule. okay so you can conclude that F equals to 3 aaya that means you can conclude that monoatomic molecules monoatomic blah 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 jo bhi hai will have 3 translational degree of rotational bhi ho sakte hai. kaise maine kya bola pehle kaun sa bharta hai. This is where you are wrong, kiddo. Yeah, ऐसा होता है monoatomic. Now let's talk about next concept that is diatomic. Okay, while considering diatomic, there are two possibilities. One is known as rigid diatomic. Rigid diatomic means there are no vibrations. Okay, so rigid diatomic vibrate ही नहीं होते, उनका structure fix रहता है. Okay, example है H2, O2, N2, blah 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 blah. क्लियर. वेरी गुड. अभी रिजिड डायटोमिक में क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो समझो मैंने कोई दो मॉलिक्यूल्स दिए H और H तो उनके बीच में रिलेशन कितना हो सकता है. एक रिलेशन आएगा. ओके ओके नो प्रॉब्लम. एक रिलेशन आएगा तो K का वैल्यू 1, N का वैल्यू 2. ओके तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा. 3n minus 5. So 3 × 2 − 1. Answer will be 5. Degree of freedom. It's okay. Degree of freedom क्या हो गया? 5 हो गया. अब इसमें कितना translational होगा? कितना rotational बताओ? इसमें से 3 translational, 2 rotational. Okay, क्योंकि पहले translational fill up होंगे. So first you will get 3 translational गए. अभी बचे 2. तो वो 2 क्या हो सकते हैं? Rotational. तो वी आर डन. 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल. गाइस आर गुड. यू आर गेटिंग इट. सर व्हाट आर द लिमिट्स लाइक 3 फर्स्ट 3 विल बी ट्रांसलेशनल ओनली. ऑलवेज देन द अदर 3 विल बी रोटेशनल. हां बट देयर इज नो 3 ना मतलब लाइक 6 नहीं है 5 ही है. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू टेक 2. हां बट द लिमिट इज 3 राइट. हां मैक्स 3 मिनिमम 0.
And sir, if it's vibrational, so 6 is the maximum degree you can get. Yes. So usme to that won't have anything, no? Because 3 will be already translational, 3 will be rotational. Haan, to yahan pe chance hi nahi ho vibrational aane ka. Getting it? Aisa bol raha hoon. No, no, no. The degree of freedom will be maximum 6, right? Yes, for vibrational. Yes. Yeah. So if it is 6, the three spots are filled up by translational. The other 3 are filled up by rotational. What about vibrational? So vibration won't be there. That's what I'm saying. It's not necessary that atoms should vibrate. Always vibrate. Getting the logic? But we're calculating for vibrational only, no? Who told you? Not right now. No. Our ultimate goal is to find out ki degree of freedom kitna hai. Wo translational hai, rotational. Degree of freedom, right? So why do you think it always has to be vibrational? It does not always have to be vibrational. But F ka maximum value is 6, correct? For vibration. For vibration. If you're considering vibration, the maximum last may f we can get value of I got it. It's not necessary ki f ka maximum value 6 ho. Kisi bhi atom mein agar samajh 9 degree of freedom aaya. Okay, 9 nahi aata actually, samajh 10 degree of freedom aaya. To usme se 3 translational hoga, 3 rotational. That's what I was asking. To abhi samjha? Aage ka vibrational bacha. 6 is not the maximum number, no? No. It's just maximum number for vibration. F तो उससे ज़्यादा जा सकता है 8, 10 it can go. So 3 is in the value 10 3 is translational, 3 is rotational. बाकी का everything will go in vibrational. No? Vibration, yes. Everything will go. Yes. So a vibrational does not have a limit here. No. Okay, got it. Thank you. But why? नहीं कैसे vibration में 6 ही भरेगा उसके आगे beyond जाएगा ही नहीं. So max to max degree of freedom that you could have are nothing but 12. ऐसा बोल रहे हो. पर बाद में का 2 क्या भरे? आता ही नहीं है ना, जाएगा ही नहीं वो. नहीं आपने 12 बोला ना तो 10 तो मुझे पता चल रहा. 2 3 6 हुआ vibration का 6 तो कितना हुआ? So this 6 is the thing that is constant. So 6 is vibration ka constant and max to max degree of freedom of atom can go is 12. Okay, abhi samjha? Very good. Yes. Mohammad Sheikh, uske baad Abhishek, uske baad Sheetal. Sheetal has not turned on the camera. Nikita has not turned on the camera. Sheetal, ठीक है, I'm gonna remove Sheetal. इसलिए remove करूँ तेरे को? चल remove you. श्रेया कैमरा ऑन कीजिए आपका. निकिता, what is the issue? गलती से मैंने इसको रिपोर्ट भी कर दिया नेक्स्ट टाइम बेसिस. अभिषेक गुप्ता, व्हाई आर यू नॉट टर्निंग ऑन द कैमरा? ठीक है चलो. तो यू गॉट द ओवरऑल आइडिया. ओके, तो आप रिजिड डायटोमिक देखें. अभी एक और सॉल्व करेंगे नॉन रिजिड डायटोमिक. ओके, नॉन रिजिड डायटोमिक. अभी इसका कैसे सीन होता है ना, मैं लेट मी टेल यू दिस. इन दिस पर्टिकुलर केस ना, नॉन रिजिड डायटोमिक में यू हैव टू कंसिडर 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एनी हाउ. अभी एक मिनट, नॉन रिजिड दिया है क्या मैंने? दिया. तो नॉन रिजिड में कैसा होता है कि ऑलरेडी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है रिजिड का आता है 5. मैं 5 कंसिडर करूंगा. प्लस यू हैव टू कंसिडर 1 वाइब्रेशनल का मोड. 1 मोड मतलब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम. 1 मोड बोलते हैं, 1 एक्सिस मतलब 1 मोड एंड 1 मोड मतलब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो वाइब्रेशन का प्लस 2 आता है. सो दैट मीन्स 5 ऑलरेडी था बिकॉज इट वॉज रिजिड. तो मैंने नॉन बोला तो मैंने एक्स्ट्रा एक वाइब्रेशन कंसिडर किया, उसके साथ फ्री में आ गया. तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ इसका? 7.
now you will ask sir two extra क्यों आया because you have provided it unnecessary energy समझ रहे हो या फिर जब आप energy provide करते हो तो वो rigid नहीं रहता वो अपने structure पे क्या बोलते हैं fix नहीं रहता and because of that it starts vibrating तो ना extra vibrate होता है ये two जो है ना वो extra vibration represent कर रहा है क्यों आप energy provide कर रहे हैं आपका goal ये नहीं था कि आप इसको vibrate करो वो अपने आप होता है क्योंकि उसका structure non rigid है So there is instability in this molecule. Are you getting it? Sir, मतलब non-rigid calculate करने के लिए हम लोग को हमेशा rigid पता होना चाहिए। हाँ, rigid पता होना चाहिए। rigid में दो। तो direct formula है। नहीं, क्योंकि non-rigid मतलब rigid ही है, but उसमें extra vibration है. That's it. अभी समझा? तो structure change नहीं होगा. I can take same example H2O2, but फर्क क्या है कि इसमें इनका structure stable नहीं है. There is no rigidity in this. अभी समझा क्लियर हाँ थोड़ा थोड़ा तो गया सो बोल पूरा समझ ले ना अभी इतना सब पूरा समझा है तो पूरा ही समझ लो आप बोलो रे ये सेवन में से दो फिर वाइब्रेशनल हो गए ना हाँ दो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम ये पांच तो ऑलरेडी थे ना ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दो क्या हुए वाइब्रेशनल सर लेकिन अभी तक वो रोटेशनल का तो भरा ही नहीं है ना उसमें तो तीन आना चाहिए दो ही आए तो एक और आ जाएगा ना तो वाइब्रेशनल का तो एक ही होगा वाइब्रेशन एक आ ही नहीं सकता ना यही तो तेरे को नहीं समझ रहा है वाइब्रेशन कांट बी वन आर यू गेटिंग इट हाँ समझे वाइब्रेशन कांट बी वन तो रोटेशनल का फिलअप होने एक्चुअल में डायटोमिक कितने दे सकता है मैक्स टू मैक्स फाइव तो मैक्स टू मैक्स उसका फाइव ही रहेगा बट उसमें हम लोग एक्स्ट्रा वाइब्रेशनल आ गया बिकॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी सो दिस टू इज जस्ट बिकॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी सो इट डज नॉट नीड टू ऑबे दैट स्टेयर वाला रूल मतलब समझ रहे हो क्या बोलते हैं वन के बाद टू फिर थ्री फिर रोटेशनल का वन रोटेशनल का टू देन रोटेशनल का मतलब ये वाइब्रेशनल मतलब वो स्टेयर का रूल फॉलो नहीं करता बाकी सब हाँ नहीं 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 वाइब्रेशन करता है बट इन दिस केस नहीं किया क्यों क्योंकि वो आना ही नहीं चाहिए था वाइब्रेशन बट वो आया क्यों क्योंकि ये नॉन रिजिड है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में इनस्टेबिलिटी है दैट इज वाई ये एक्स्ट्रा आ गया तो आप जो एनर्जी दे रहे हो ना ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा इतना समझो सिर्फ नॉन रिजिड में एक एक्स्ट्रा वाइब्रेशनल आ जाता है तो रिजिड के फॉर्मूला में जो फाइव है उसमें टू चिपका दो गेटिंग इट वाइब्रेशनल की मैक्स टू मैक्स सिक्स ही आएगा उसके ऊपर नहीं आएगा ना सिक्स मैक्स टू मैक्स बोलो सर सिर्फ टू रहेगा क्या उसके अलावा कोई और नंबर हो सकता है सिर्फ टू रहेगा कि उसके अलावा और कोई नंबर हो सकता है मतलब ओनली टू इतना एनर्जी नहीं होता उसके पास कि आप इसको ज्यादा दे दो मतलब हाँ बोलो Sir, in the seven ka split, three will be dash and three will be dash and the there will be only one remaining which will be vibrational. You can't do it like this. That na, I'll show you why. Because if you try to divide seven, three translational hua, three rotational hua, to vibration ke liye kitna bacha? One. Yeah. Vibration at the time can give two only, na? Vibration cannot give one. So that is why yaha ka ek kam ho jata hai. टू रोटेशनल एंड टू वाइब्रेशनल नाउ इट कैन बी एडेड अप टू सेवन वाइब्रेशन एक टाइम पे कितना दे सकता है दो वो एक दे ही नहीं सकता डिग्री ऑफ फ्रीडम तो व्हाई दिस एक्सेप्शन फॉर दिस पर्सन ओनली ओके बिकॉज़ एनीवे यू हैव टू क्रिएट सेवन एनीवे यू हैव टू ऐड वाइब्रेशन तो रोटेशनल सैक्रिफाइस करता है कुछ तो अपना जो मूड है वो वाइब्रेशन को दे देता है बिकॉज डोंट फॉरगेट दैट वाइब्रेशन हैज मोर एनर्जी So vibration can overcome rotation any time it wants. समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? So vibration आ जाता है. These guys change rules according to themselves only. जिसको जो करना है वो कर रहा है. Then what's the rule made for? अरे तू नहीं समझ रही है. पहले translationally feel हुआ. उसके बाद rotationally feel हुआ. But we only have seven. Correct? See देख this. तो translationally feel हुआ पहले. तो one, two, three translational feel हुआ. फिर rotational feel हुआ. अगर रोटेशनल वन टू थ्री होता तो वाइब्रेशन का वन बचता तो वाइब्रेशन का रूल ऑबे नहीं होता तो वाइब्रेशन का रूल ऑबे नहीं होता इसीलिए ये थ्री को रिमूव किया एंड इधर पे वाइब्रेशन ने ऑक्यूपाई किया तो ये वाइब्रेशन हो गया तो वाइब्रेशन एक टाइम पे दो ही आ सकता है ना इट कैन नॉट एडजस्ट बट दिस रूल कैन बी एडजस्टेड सो दैट इज व्हाई उसने एडजस्ट किया रूल गॉट इट ना ठीक है चलो वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक
अभी आपको सॉल्व करना है, इसलिए मैंने आपको पेन लिखने के लिए बोला. आई वॉन्ट यू टू सॉल्व फॉर ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल. ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल आई हैव अ गुड एग्जाम्पल H2O. And not only triatomic, the triatomic one, actually I'm talking about non-linear triatomic. Non-linear triatomic, that means that they are not on the same line. So rather than that, they are like this. H2O ka structure kuch aisa hi hota hai na, maybe? Yes, sir. So aap create karo zara iska degree of freedom. F ka value create karo. और टाइप करके मुझे बताना. वैभवी व्हाई योर कैमरा गेट्स टर्न्ड ऑफ रे बार बार. शाफिया बहुत चार्जिंग हो गया होगा अभी आपका. मानसी योर 10 मिनट्स आर ओवर. सर इट्स ऑन. अच्छा मानसी तू बोल रही थी क्या? सर डायटोमिक हाउ मेनी व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ के? के डायटोमिक में 1 था ना. ओके क्या बोल रही साक्षी तेरे को 3 आंसर आ रहा है? 3 तो पक्का नहीं है आंसर. ओके आई गॉट 1 आंसर फ्रॉम महक. महक आई थिंक तेरा आंसर करेक्ट है. नितेश करेक्ट है. किस पे भेजना है? अरे इधर पीटीएम पे भेज दो. दिया करेक्ट. आदिति इनकरेक्ट. नित्या अली करेक्ट. प्रथम करेक्ट. पूर्णिमा करेक्ट. एक मिनट. मे बी जिन्होंने 7 भेजा है उनका इनकरेक्ट. आई ट्राई टू सॉल्व. मेरे को एक बात बताओ F का वैल्यू. देखो ना. नहीं अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में देख. 3N - K करेक्ट. कितने रिलेशंस बन रहे? 3 रिलेशन. बॉन्ड मत देखो. अगर आपने बॉन्ड मतलब देखा तो H और H का ही बॉन्ड देखा होगा. सॉरी O एंड H का ही बॉन्ड देखा होगा. तो आपने फिर ये बॉन्ड देखा ही नहीं होगा. यू हैव टू सी दिस बॉन्ड रिलेशन टू. तो 3 × 3 - So that will be 9 - 3. Answer is 6. 6 is the correct. मैंने क्या भेजा था तो आपने ना क्यों बोला? वो मैंने भी सेंड किया. How will it be 3 bonds? There's 1 bond which connects. Who told you that bonds equals to relation? मैंने एक बार भी ये word नहीं use किया. तो recording भी देख लो. Bonds मतलब relation नहीं. Relation means it has a possibility that it can make a bond with it. Possibility है ना? ये और ये connection कर सकते हैं. H और H क्या कर सकते हैं? H2 बना सकते हैं. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर इज इंटरेक्शन. सो इनडायरेक्टली रिलेशन इज नथिंग बट इंटरेक्शन. पॉसिबल इंटरेक्शन. सो दिस इज 1 पॉसिबल इंटरेक्शन. दिस इज अनदर पॉसिबल इंटरेक्शन एंड दिस वन इज अनदर पॉसिबल इंटरेक्शन. सो रिलेशन विल बी 3. इन दैट केस 9 - 3 विल बी 6 एंड इफ इट इज 6 क्या होगा गाइस? क्या-क्या फील होगा पहले? 3 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशनल. ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल. वेरी गुड, यू गॉट द आईडिया. Let's move on to next concept now. 3 translational, 3 rotational done. Triatomic done. अभी एक linear triatomic का example लेते हैं. अभी देखते हैं आपको आता है कि नहीं. Have you heard about CO2? आपको structure पता है CO2 का कैसे होता है? नहीं, बना दो. Linear होता है. वो नाम heading में पता चला. Linear होता है. तो यहाँ पे oxygen होता है, यहाँ पे carbon होता है. एक line में connect. I want you to create degree of freedom now. सर आप गलत बना दिए. अरे उल्टा बनाया क्या? अच्छा हाँ सॉरी, बीच में आएगा. दैट्स व्हाई आई डोंट टीच केमिस्ट्री. अखिलेश करेक्ट आंसर. ओके जिस जिसने आंसर भेजा है अभी तक वो करेक्ट है. मैं नाम पढ़ा नहीं, गलती से मिस आउट हो गया. रुको ये किसने भेजा? लोकस रोष्टि यू हैव टू सेंड आंसर. नित्य करेक्ट. नितेश करेक्ट. आदित्य इनकरेक्ट. आकांक्षा करेक्ट. साक्षी क्या चल क्या रहे तेरा? मानसी इनकरेक्ट. कुछ भी आंसर फेंक रही है. वेरोनिका इनकरेक्ट. सूरज इनकरेक्ट. पूर्णिमा करेक्ट.
चेतना करेक्ट, तो भी आंसर क्या आया आपको? दिया करेक्ट, प्रांजल आंसर क्या आया? मेरे को तो 6-1 आ गया। कुछ भी, जेनेटा करेक्ट। सर चेक माय आंसर नो। प्रांजल में बताऊंगा ही नहीं फिर आंसर करेक्ट है तुमने एवरीवन को बोलो। तू फिर से भेजना आंसर। रूबी वेटिंग फॉर योर आंसर। निकिता सिंह सेंड मी द आंसर। कितना है मैं तेरा, किधर मैंने मिस आउट कर दिया यार, इतने लोगों के आंसर पेपर पेपर आ गए ना। फिर से टाइप करना एक बार। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, डिस्टर्बेंस करेक्ट। ओके सो आई टेल यू हाउ टू सॉल्व इट। ओके कैसे सॉल्व करना है देखो। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? 3 × n। n का वैल्यू क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3 हो गए। k का वैल्यू देखो, रिलेशन दोनों के बीच में हो सकता है क्योंकि इतना ये इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज बीच में c आता है, दैट इज व्हाई इट विल बी 2। सो 9 - 2 आंसर विल बी 7। अच्छा अभी बताओ इसमें 7 में क्या कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? वो ऊपर तीन रिलेशन कैसे बन गए मेरे तो? दो कौन से यहाँ पे? CO2 में तीन रिलेशन कैसे बने? सर फॉर्मूला 3n - k है ना। हाँ तो n का रिलेशन, n कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 1, 2, 3। अरे नहीं सर, हाँ सॉरी। तो ये हो गया 3 ट्रांसलेशनल करेक्ट। ट्रांसलेशन 3-2-2 और रोटेशन वाइब्रेशन। हाँ हो गया, ये सॉल्व है। तो प्यार से बोला, प्यार से सुनने नहीं। वेब रिमूव करूं तेरा? थ्रू आउट द लेक्चर कैमरा ऑन था, अभी क्यों बंद हो रहा है बीच में विदाउट परमिशन दैट टू? सर मैंने मैसेज भेजा। कहाँ पे यार? होस्ट पे मत भेजो, पीटीएम पे भेजो। किधर भेजा तूने? नहीं आया मेरे को मैसेज। सर वेट आई एम सेंडिंग, शायद होस्ट पे चला। ओके हो गया, ये वाइब्रेशन समझा? हाँ ये दो ही टाइप ना। हाँ बस लीनियर ट्रायटोमिक समझा। अभी बात करते हैं एडियाबेटिक कांस्टेंट के बारे में। लीनियर डायटोमिक किया ना, ट्रायटोमिक कौन किया? लीनियर डायटोमिक लिखा क्या मैंने? लीनियर ट्रायटोमिक लिखा है। ऊपर सर देखना, नॉन-लीनियर ट्रायटोमिक, डायटोमिक नहीं किया। नॉन-लीनियर डायटोमिक कैसे होगा? अगर दो पॉइंट्स है तो दो पॉइंट हमेशा लाइन में ही होंगे ना, कैसे भी जाते ये लाइन में ही होंगे। नहीं समझा सर? नॉन-लीनियर भी हो सकता है। समझा कैसे? नहीं होगा कैसे? कोई भी स्ट्रक्चर बता, तू यहाँ बना ये क्या बना? तो फिर नॉन-लीनियर कैसे होगा तब? नहीं होगा नॉन लीनियर, वही बता रहा हूँ। ओके सर चेक योर चैट सेक्शन। ना रे बाबा, एक काम करो आप, ब्रेकफास्ट सब लोग कैमरा ऑन करके खाना है, जिसको खाना है खाओ, हम नहीं देखेंगे आपको, टेंशन मत लो, जस्ट ध्यान है कि नहीं वो देखना। डन, वेयर इज नेहा? इट्स इन लेक्चर।
Yes, I am there. इधर मेरे को नहीं दिख रही है. Sir, I am facing network issue. I will on in some time. Okay. ठीक है. चलो अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ गया तो अभी एडियाबेटिक कांस्टेंट के लिए बिगिन करते हैं. व्हाट इज एडियाबेटिक कांस्टेंट? गामा. इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला सीपी बाय सीवी. व्हाट इज सीपी? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. ऑलरेडी डिस्कस दिस टर्म इन थर्मल प्रॉपर्टीज थर्मोडायनेमिक्स. सीवी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो इफ वी टेक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी विल गेट द गामा. ओके नेक्स्ट बात करते हैं मोनो एटॉमिक गैस के लिए. अभी मोनो एटॉमिक गैस का अगर समझो आपको गामा निकालना है तो एक प्रोसीजर है और मैं वो प्रोसीजर आपको सिखाने वाला हूँ. मैं मोनो एटॉमिक सॉल्व करूंगा, आप डायटॉमिक सॉल्व करोगे. ओके यस प्रांजल, आई विल सेंड इट. रेडी? पहला मोनो एटॉमिक जनरल फॉर्मूला देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग. तो इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट एनर्जी तो यू फॉर मोनो एटॉमिक गैस विल बी एफ बाई टू उसके बाद आर टी. दिस इज अ शॉर्टकट फॉर्मूला. एनआरटी होता है बट एन के जगह मैंने वन पुट किया. सो नंबर ऑफ मोल्स आई हैव कंसीडर्ड एज वन. नॉर्मली कैसे होता है फॉर्मूला एफ बाई टू एन आर टी. तो मैंने एन के जगह क्या लिखा है? मैंने एन के जगह लिखा है ये आप जनरल फॉर्मूला लिख रहे हो ना. हाँ ये एनर्जी का फॉर्मूला है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी. ओके और यू कुड से इंटरनल एनर्जी. तो इंटरनल आपको पता है ना बाय द वे किसी भी गैस में इंटरनल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल. तो इंटरनल एनर्जी और वाइब्रेशन या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम का रिलेशन है. सो यू क्या होता है एफ बाई टू आर टी. आपको यू मिल गया. इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आपको सी वी फाइंड आउट करना है. इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सी वी यू हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस यू विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. तो आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा टेम्परेचर का. वंस यू डू दैट यू विल गेट डी बाई डी टी F by 2 R into T. अभी मुझे एक बात बताओ इसमें से F by 2 and R constant रहेंगे. गैस अगर constant लिया तो the only fluctuating thing will be temperature. So we can take F by 2 R common. तो F by 2 लिया. यहाँ पे क्या बचा? DT by DT. एवरी तो फ्लक्चुएट करेगा ना मोनो पे डाय पे अलग ट्राई पे अलग. गैस कांस्टेंट रखा तो क्या फ्लक्चुएट होगा? नहीं तब नहीं. F by 2 R हो गया. DT by DT मतलब derivative of T with respect to T क्या होता है? What is that value? 1 मिलता है. तो F by 2 R हो गया. अच्छा जिनको याद नहीं मतलब जिनको directly याद रखना है वो directly ऐसे याद रखो CV होता है F by 2 R. Okay? CV मिलने के बाद आप CP find out कर सकते हो. What is CP? आपको एक Mayer's relation करके था याद है? CP minus CV equals to R हुआ. Now what you have to do? You have to put this particular thing. मतलब CP के जगह आप CP put करोगे, CP unknown रखोगे. CV क्या है? F by 2 R. उधर R भेजोगे. तो CP क्या हो जाएगा? R plus F by 2 R. ये हो गया CP और ये हो गया CV. गामा कैसे निकालोगे? CP by CV. क्या प्रोसेस समझा? पहले क्या करना है? U का फॉर्मूला लिखना है F by 2 RT. फिर CV क्या होता है? F by 2 R. एक्चुअल में what we did? We found out derivative. CP minus CV R Mayer's relation यूज करके we found out CP and we took ratio. Now let us try to find out it for monoatomic. Monoatomic का degree of freedom क्या होता है? What is degree of freedom of monoatomic gas? 1, 3 होता है. 1 कैसे रे? मोनोएटॉमिक चेक कर दे रहा अभी सॉल्व किया था हम लोगों ने. F 3 होता है. सो दैट मींस यू विल बी 3 बाय सर अभी तो हम लोगों ने मोनोएटॉमिक का ही तो सॉल्व किया. किसका किया पहले वाला आपने? सबसे पहले मोनोएटॉमिक तो सॉल्व किया मैंने. ये क्या है मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम जरा? आप वापस मोनोएटॉमिक कर रहे हो. अरे ये मोनोएटॉमिक नहीं किया मैंने. मोनोएटॉमिक इन जनरल लिखा है. अभी मोनोएटॉमिक सॉल्व कर रहा हूँ मैं. मोनोएटॉमिक का क्या होगा? 3 बाय 2 आर टी. ओके अभी मुझे बताओ सीपी अगर आप सॉरी सीवी फाइंड आउट करते हो तो सीवी क्या होता है? इसका डेरिवेटिव. सो दैट विल बी डी बाई डी टी ऑफ 3 बाई 2 आर टी. सो यू कैन टेक 3 बाई 2 आर कॉमन. तो अंदर क्या हो जाएगा? डी टी बाई डी टी. क्या ये समझा? यस. सो सीवी हो जाएगा 3 बाई 2 आर.
तो सीवी मिल गया। सीपी क्या होता है? आर प्लस सीवी, मेयर्स रिलेशन। सीवी को ये साइड शिफ्ट किया, सो आर प्लस थ्री बाई टू आर। सॉलिड फर्दर, सो टू आर प्लस थ्री आर, दैट विल बी फाइव आर बाई टू। सीपी मिल गया। व्हाट विल बी द गामा का वैल्यू? तो गामा इज सीपी अपॉन सीवी, सो दैट विल बी थ्री बाई टू आर अपॉन, सॉरी फाइव बाई, सॉरी, सो इट इज फाइव बाई टू आर अपॉन थ्री बाई टू आर। आर आर कैंसल, टू टू अन कैंसल, वी गेट फाइव बाई थ्री। व्हाट इज फाइव बाई थ्री? एक्चुअल सॉल्व करोगे तो 1.67. Have you heard about this thing in chemistry? Gamma, that is adiabatic constant for monoatomic gases, is 1.67. क्या आपको था chemistry में ये? हाँ sir, लिखाया था हमने value. हमने निकाल के बताया आपको. तो हमको आता नहीं chemistry, but ऐसे ही time pass थोड़ा कर लेते. आहा, चलो. Clear हुआ ना पक्का? क्योंकि आपको दूसरा करना है, ये मोनोएटॉमिक निकाला मैंने, प्रोसीजर आपके सामने है, आपको फाइंड आउट। ये U 3 by 2 आपने लिया, वो हम लोग को वैल्यू दे के रखेंगे वो लोग। कैसे? अब फिर तेरे को F का वैल्यू कैसे पता? फिर F का वैल्यू क्यों सिखाया मैंने तुझे? रट्टा मारने के लिए सिखाया, निकालने को भी सिखाया। सर, तो मैंने मोनोएटॉमिक वापस बताओगे? भैया आई विल टेल इट टू यू इन अ शॉर्टकट वे। U इज जनरली गिवन बाय द फॉर्मूला F by 2 RT. But you know that the value of F for monoatomic is 3. So it becomes 3 by 2 RT. I substituted F. CV hota hai DU by DT, iska derivative, which will come out as 3 by 2 R, kyunki T eliminate ho jata hai. CP hota hai R plus CV. If you add R plus 3 by 2 R, you will get 5 by 2 R. So what is gamma? CP upon CV. So that is 5 by 2 R. upon 3 by 2R. So answer is 5 by 3. Logic समझा भी? किसने पूछा था फिर से? मैंने. नहीं समझा? अभी भी? समझा. Okay. तो अभी आपको ये देख के कौन सा solve करना है पता है? I want you to solve it for rigid diatomic. ओके, दिस शुड बी सॉल्व्ड बाय अंधेरी ब्रांच स्टूडेंट एंड ट्राई एटॉमिक, नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक, दिस शुड बी सॉल्व्ड बाय कांदिवली ब्रांच स्टूडेंट। बोलो सर, आंसर इसका भेजना चाहते हैं। सर सर सर, फाइनल आंसर। हाँ बोल सर, इसमें ये रिजिड डायटॉमिक में क्या लेंगे F का वैल्यू? अरे भगवान ऐसा मत कर, हम लोगों ने सॉल्व किया ना, बड़े सॉल्व किया हम लोगों ने, क्यों किया पता मेरे को? मतलब ये इतना जो आधे घंटे में हम लोग एफ का वैल्यू निकाल रहे थे, देयर वाज अ पर्पस फॉर इट। एक रिजिड डायटॉमिक में एफ का वैल्यू हम लोगों ने ये सब सॉल्व करके 5 निकाला था, नॉन रिजिड में 7 निकाला था, लीनियर ट्रायटॉमिक में कौन क्या निकाला था वो आप याद करो, नॉन लीनियर में, लीनियर में। अभी समझा चालू? हाँ सर। करेक्ट है। एक मिनट है, स्क्रीन को एक मिनट नीचे करो। ओके लेट्स सी, ये कौन भेजा? साक्षी जेनेटा करेक्ट है, चालू इनकरेक्ट है। तेरा आर कैसे बचा सर? वो मैंने सी पी का वैल्यू भेजा है। तो पूरा सॉल्व, दिशा करेक्ट है, आकांक्षा इनकरेक्ट है,
सर मैंने नॉन लीनियर के लिए भेजा है फिर भी रॉन्ग है और मेरा जो मैंने भेजा है क्या भेजा तूने फिर से भेज सर आफ्टर यू ऐड आर टू सीवी व्हाट डू यू डू नेक्स्ट सर मैंने भी भेजा एक मिनट जस्ट गिव मी मोहम्मद करेक्ट है जिता इनकरेक्ट है शालू इनकरेक्ट है आकांक्षा इनकरेक्ट है दिशा करेक्ट है अच्छा अखिलेश तू कांदिवली वाला का भेजा ना आंसर एक मिनट स्क्रीन नीचे करो आर क्यों आ रहा है तुम्हारा रॉन्ग आ गया तो गामा में आर किधर आ रहा है सेजल आई कैन नॉट सी योर फेस सो आई विल रीजॉइन देन हेलो हाँ बोलो सो व्हाट डू यू डू आफ्टर एडिंग सीवी प्लस आर What you did after adding CV plus R ratio liya yeah. CP and CV What's the step? ये मतलब ये हाँ ratio of CP and CV क्योंकि तुझे gamma find out करना है पूर्णिमा करेक्ट नित्या now it's correct क्या कांदिवली वालों का आंसर क्यों नहीं आ रहा है इतना टफ है रूबी यू हैव टू फाइंड आउट नॉन लिनियर ट्रायटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम गामा फाइंड आउट कर ओके दैट्स इट सर अभी अपना चेक करो ना एक बार प्लीज मेरा भी चलो नहीं इनकरेक्ट नॉन लिनियर का जो भेजा है वो साक्षी का करेक्ट है अली अखिलेश का करेक्ट है आकांक्षा किधर है तेरा जेनेटा मैंने भी जस्ट भेजा है नॉन लिनियर का तुम लोगों का करेक्ट है फिर इनका 4/3 कैसे आया आकांक्षा पीटीएम पे भेज मेरे को नहीं आया यस अखिलेश करेक्ट आंसर चेक माय आंसर नो व्हेयर डिड यू सेंड इट आई सेंट इट जस्ट पीटीएम पे आकांक्षा करेक्ट है या पीटीएम पे मैं नो इनकरेक्ट है उल्टा लिखा जो भी करेक्ट है वो फाइनल वैल्यू अरे सॉल्व करके बताओ मेरे को नहीं तो तुम लोग बोलोगे सर हम लोग केमिस्ट्री में पता है ऑलरेडी वैल्यू लीनियर ट्रायटॉमी नॉन लीनियर का कितना होता है एंड देन बताओगे ना 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 इतना 9/7 सीपी हमेशा ऊपर आता है तुम लोग सीवी माइनस सीपी क्यों कर रहे हो सीपी गॉट इट गॉट इट व्हाट अपॉन व्हाट अगेन CP upon CV. You guys are doing CV upon CP. I'll show you rigid diatomic now. हम क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हो डायरेक्टली शॉर्टकट रिजिड डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है तो द वैल्यू ऑफ सीवी विल बी एफ बाई टू आर सो इट इज इनडायरेक्टली 5/2 R. CP होता है CV plus R. So that will be 5/2 R plus R. If you solve it, it is 7/2 R.
तो आप अगर सीपी बाई सीवी सॉल्व करोगे तो इट इज 7/2R / 5/2R. कैंसल इट, यू विल गेट आंसर एज 7/5, विच इज नथिंग बट 1.4, द फेमस डायटोमिक, क्या बोलते हैं, रिजिड डायटोमिक कॉन्स्टेंट. याद आया ये? मैंने यही तो किया, लास्ट में आंसर अलग आया मेरा, बस वो अपॉन अलग ले लिया. तो वो गलत है ना, ये थोड़ी किया तूने, लास्ट में गलत किया तो गलत ही किया. तो बस 7/5 की जगह 5/7 लिया. अरे बट गलत है ना वो. इतना तो चलता है ना. अरे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे तो एग्जाम में करके बता मार्क्स देता हूँ क्या. नहीं सर, नहीं. तो ये रिजिड डायटोमिक हो गया. अभी अभी बात करते हैं ये नॉन लीनियर कांदिवली वालों के लिए. तो नॉन लीनियर एक प्रोसेस समझाना. अभी कांदिवली वालों आएगा ना नॉन लीनियर का, अभी 9/7 आना चाहिए. 9/7 किसका नहीं आया, उसका रॉन्ग है. तो आई गेस ये सॉल्व करने के बाद 1.3333 ऐसा कुछ 1.33 आता है. रुको एक मिनट, नहीं 1.2 आना चाहिए. 1.33 कैसे आया तुम लोगों का, कुछ तो जुगाड़ कर देगे तुम लोग. नॉन लीनियर, नॉन लीनियर में क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, बताओ जरा. 6/7 6 की 7 था. 7 नहीं 6 था. 6 हां, देन यू आर करेक्ट. देन 1.33 आएगा, 4/3 आएगा. आई विल शो यू. f का वैल्यू 6 हो गया, तो cv का वैल्यू हो गया f/2r, सो दैट इज 6/2r, दैट इज 3r. तो cp का वैल्यू क्या हो गया, R प्लस CV होता है, तो दैट इज 4R. और ये गामा क्या हो गया, दैट विल बी 4R अपॉन 3R, दैट इज 4/3. हमेशा याद रखो CP का वैल्यू CV से ग्रेटर ही होगा, एंड रेशियो CP अपॉन CV लेना है, नॉट अदरवाइज. क्या ये चीजें क्लियर हो रही है डिग्री ऑफ फ्रीडम के रिलेटेड? अरे यस और नो? यस सर. ओके, Now let me tell you the shortcut for calculating gamma. वैसे आपको इसमें proof भी दिया है मैंने, but I'm not gonna give you proof. Notes में proof है, आप देख लें. The shortcut formula of calculating gamma is 1+2/f. Okay, अभी आप मुझे बताओ कौन सा किया था हम लोगों ने पहले, मोनो एटोमिक किया था ना. मोनो एटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 होता है. 1+2/3 कितना होता है, सॉल्व करो. 3 1 3 3 5 5 5 5 3 आया फाइनल आंसर डायरेक्ट शॉर्टकट. ये आपने दिया था फॉर्मूला 1+2/f. हां थर्मोडायनेमिक्स में. हां अच्छा ओके. देयर इज अनदर फॉर्मूला 1+ मतलब यही फॉर्मूला, सॉरी. और मैं कैसे याद रखता हूं बताओ, मैं तो इससे भी शॉर्टकट मारता हूं. मैं ना डिग्री ऑफ फ्रीडम नीचे लिखता हूं. अभी समझो कौन सा है, 3 है ना मोनो एटॉमिक का, 3 उसमें प्लस 2 ऊपर ऐड कर देता हूं 5. सर आपने क्या क्या, 1+2/3 इज 3/3 एंड दैट विल गेट कैंसिल. कुछ भी, तू एक काम कर, तू स्कूल में फिर से जा. सॉरी सॉरी सॉरी, वो क्रॉस मल्टीप्लाई का. ओके, सो यू गॉट दिस पर्टिकुलर थिंग एज 5/3. ओके, अभी अभी ना मतलब क्या किया मैंने पता है, नीचे लिखा और ऊपर प्लस 2 मार दिया. अभी आप समझो कौन सा ले लो, कोई भी ले लो, मतलब नॉन रिजिड करते हैं. नॉन रिजिड का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5. ऊपर 2 चिपका दो. नॉन रिजिड का 5 होता है, नॉन रिजिड का 7 होता है ना. नॉन रिजिड डायटोमिक 6 बोला किसी ने, तो सर ने भी 6 लिया. अरे मैंने नॉन रिजिड नहीं, मैं कुछ क्यों, मैं नॉन लीनियर का 6 लिया, वो करेक्ट था. वो नॉन लीनियर ट्राइड, फर्क क्या है नॉन लीनियर नॉन रिजिड में? अरे भगवान, मतलब तेरा ध्यान क्या कर रही है तू. पहले बात हम लोगों ने, पहले बात तो हम लोगों ने मोनो एटॉमिक स्टडी किया. मोनो एटॉमिक मतलब फॉरएवर अलोन गाइस, सिंगल. फिर हम लोगों ने लिखा रिजिड डाई एटॉमिक. रिजिड डाई एटॉमिक मतलब ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स जो दो है, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू रिमेम्बर देर इज नो वाइब्रेशन. ओके, फिर हम देखा नॉन रिजिड डाई एटॉमिक जिसमें वाइब्रेशन भी इंक्लूडेड होता है. तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, इसका 5, इसका 7. फिर उसके बाद लीनियर ट्राई एटॉमिक किया हम लोगों ने. तो लीनियर ट्राई एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है 7 आता है. हाँ 7 आता है इस लीनियर का. एंड नॉन लीनियर का कितना आता है? 6. यार ये तो
पांच चीजें याद नहीं रह रही है आपको, कंफ्यूज हो रहे। अभी क्लिक हुआ? हाँ, एक सेकंड। हाँ तो मैंने ये दिया था नॉन रिजिड, वो डाई एटॉमिक था, ये था आपको, सॉरी रिजिड डाई एटॉमिक, ये था अंधेरी वालों को और ये था कांदिवली वालों को, तो उसने बराबर बोला F equals to 6, he was right। ठीक है, तो फॉर्मूला समझ गए आपको। लास्ट वाला कंसेप्ट है जिसका नाम है पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक गैस। पॉलीएटॉमिक गैस के रिलेटेड क्या बोलते हैं क्वेश्चन बोर्ड्स में आया था, MCQ 2016 के पेपर में, कि पॉलीएटॉमिक गैस का इक्वेशन क्या है। रेडी, लेट्स बिगिन। अच्छा मैंने ना यहाँ पे ना ई लिखा है गलती से, आप इसके जगह यू यूज करना, नोट्स में ई है बट आप यू यूज करना, मेरे को हर जगह पे चेंज करना नहीं जमेगा ना। ओके ई भी लिखता है ना। हाँ ई भी लिखते हैं बट ई इज लाइक मोर, हाँ वही, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता है टू बी ऑनेस्ट। पता है क्यों? क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसेस है इट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डोमिनेट करता है, पोटेंशियल लेते ही नहीं है गैस। अगर आपको कोई बोला कि गैसेस में पोटेंशियल एनर्जी है, दैट मीन्स इट इज रॉन्ग, गैसेस ओनली हैव काइनेटिक एनर्जी। ओके चलो नेक्स्ट वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं। मैक वीडियो ऑन करो, अभी हो गया आपका नाश्ता करके। मानसी वीडियो ऑन करो। वेरोनिका तो ठीक है ना, हमारे सामने करो, कोई बात नहीं, हम नहीं आएंगे खाने के लिए। ठीक है चलो, लेट्स कंटिन्यू, विल स्टडी पॉलीएटॉमिक गैसेस। पॉलीएटॉमिक गैसेस एक्चुअली कंप्राइजेस ऑफ 3 ट्रांसलेशनल मोड, 3 रोटेशनल मोड एंड एक्स वाइब्रेशनल मोड। तो 3 ट्रांसलेशनल फुल मारता है वो, 3 रोटेशनल भी फुल कर लेता है, एंड वाइब्रेशन का अपने को कोई आइडिया नहीं, तो वाइब्रेशन को अननोन रखते हैं हम लोग, लेट्स कॉल दैट एज एक्स। वाइब्रेशन का कोई आइडिया नहीं, वी आर गोइंग टू कॉल इट एक्स। अभी आपको पता है ना कि टोटल एनर्जी जो हम लोगों ने पढ़ा था या फिर ई जो पढ़ा था, इट इज एक्चुअली एफ बाई टू आर टी, बट अपने पास क्या क्या है, ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेशन का मतलब 3/2 हो जाएगा टोटल, रोटेशनल का 3/2 हो जाएगा और वाइब्रेशन का एक्स आर टी। सर एक्स बाई टू क्यों नहीं? बराबर ना आया सवाल? एक्जेक्टली हाँ हाँ, तो कोई बताएगा मेरे को एक्स बाई टू क्यों नहीं? What is so special about vibration? मैं बताऊं। वो 2 ही होता है फिर, वैसे उसका मतलब बाकी सबका एक ही रहता है, उसका 2 रहता है एक एक्सिस पे। एक्चुअली यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो कैंसिल। हाँ वो एक्चुअली कैसे होता है कि यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि इट इज एक्स बाई टू आर टी, बट एट द सेम टाइम एक एक्सिस के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं वाइब्रेशन पे, तो दिस टू गेट कैंसिल। लॉजिक समझा? एक टाइम पे वाइब्रेशन 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम देता है, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। सो वी विल सॉल्व इट, विल गेट 3/2 आर टी प्लस 3/2 आर टी प्लस आर टी। ओके नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट फर्दर। व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक आर टी कॉमन, करेक्ट? सो विल ट्राई टू डू इट। कहाँ गया? अरे हाँ सॉरी, वो गलती से जाने दो। ठीक है, कौन पूछा? शालू तू पूछा? हाँ मैं पूछा। ओके ठीक है, तो 3/2 प्लस 3/2 प्लस एक्स आर टी बाहर आया, तो अभी ना 3/2 वी कैन कंबाइन देम, 2 बेस कॉमन हो गया, 3+3 ओके प्लस एक्स इंटू आर टी। तो व्हाट वी कैन डू नाउ, 3+3 6/2 प्लस एक्स इंटू आर टी, 6/2 इज 3, तो वी गेट 3+x इंटू आर टी। सॉरी यहाँ तक समझा? ओके तो ये था आपका सीवी, नहीं ये तो यू था ना। ओके एक्सट्रीमली सॉरी, ये तो यू था। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट सीवी यू हैव टू एलिमिनेट टी, तो ये हो जाएगा 3+x आर, वी आर डन। आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट टी, कैसे चला गया हमें याद नहीं आ रहा है, डीयू बाय डीटी करते थे, डेरिवेटिव लेते थे, कांस्टेंट टर्म बाहर निकालते थे, तब टी जाता था।
अरे समीर सर ठीक है मैंने बोला हाँ ठीक है मैं जोक मार रहा हूँ वो समीर ही था ना जोक गोलमाल वाला ठीक है सीवी थ्री प्लस एक्स आर उसके बाद सीपी क्या होता है सीवी प्लस आर सो दैट विल बी थ्री प्लस एक्स आर प्लस आर यू कैन टेक आर कॉमन अगेन तो अंदर क्या बचेगा थ्री प्लस एक्स प्लस वन यहाँ से भी आर निकल गया ना यहाँ से आर निकला तो थ्री प्लस एक्स बचा यहाँ से आर निकला तो वन बचा थ्री प्लस वन इज फोर सो वी गेट फोर प्लस एक्स आर ये हो गया सीपी द रेशियो ऑफ सीपी अपॉन सीवी विल बी गामा तो गामा फॉर पॉलीएटॉमिक गैसेस विल बी फोर प्लस एक्स आर अपॉन थ्री प्लस एक्स आर 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 कैंसल दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला फोर प्लस एक्स अपॉन थ्री प्लस एक्स हो गया फाइनल फॉर्मूला अभी जब ट्वेल्थ में आया था 2016 में ये एमसीक्यू तो उन्होंने एक्स के सिंबल को एफ से रिप्रेजेंट किया था उन्होंने स्पेसिफिकली बोला भी था कि लेट एफ बी द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपका फॉर्मूला 4 प्लस एफ अपॉन 3 प्लस एफ होता है ऐसे तीन चार ऑप्शन थे उसमें से ये ऑप्शन करेक्ट क्या लॉजिक समझा कैसे आया वेरी गुड यू गाइस आर स्मार्ट Let's continue with the next concept. Mayer's relation. अच्छा Mayer's relation का proof मैंने आपको बताया already? नहीं direct. No. Direct बताया ना? So we'll try to see the Mayer's relation. Okay. देखो Mayer's relation ना first law of thermodynamics से derive होता है. तो first law of thermodynamics कौन बताएगा? नेहा tell me first law of thermodynamics. वो statement. बोलो सर इक्वेशन पता है हाँ इक्वेशन ही पता चल डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू ओके सूरज मेरे को याद है किसी ने मेरे को रिमाइंड नहीं किया बट मैं सूरज को नहीं भूलूंगा सूरज इज वेरी गुड चाइल्ड किधर है सूरज मेरे को एक बात बता ये जो डेल्टा डब्ल्यू है उसका साइन कन्वेंशन क्या होता है वर्क डन का साइन कन्वेंशन बता बता आई एम वॉचिंग नहीं बता ओके अच्छा एनर्जी का बता या फिर हीट का बता नहीं सब पूछ कर है मुझे समझ में नहीं आ रहा साइन कन्वेंशन साइन कन्वेंशन साइन कन्वेंशन मतलब वर्क डन पॉजिटिव कब होता है निगेटिव कब होता है अभी इतना हिंट दिया मैंने सर हीट में पॉजिटिव होगा क्या कब ओके यू हैव टू राइट दिस पर्टिकुलर होमवर्क फॉर 30 टाइम्स टोटल 6 साइन कन्वेंशन है छह साइन कन्वेंशन कितने बार लिखने हैं 30 आज के आज करना है और अभी झोल किया ना तो प्रॉब्लम अखिलेश तेरे को काय का पनिशमेंट दिया मैंने तेरे को भी पनिशमेंट है कौन सा वाला सेकंड लॉ का हाँ नहीं नहीं लिखना है तुझे तो लिखना ही है तेरे को सब याद रहता है तो ये भी याद रहना चाहिए इट्स अ कंपल्शन सेकेंड लॉ स्टेटमेंट 30 बार और सूरज तुझे साइन कन्वेंशन 30 बार लिखना है वेरी गुड नेहा जो भी आंसर बता है वेरी गुड आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो ये डेल्टा क्यू है ना उसको डी क्यू लिखते हैं चलेगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता डेल्टा यू को डी यू लिखते हैं और इसको डी डब्ल्यू अच्छा एक बात बताओ आपको पता है क्या हीट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन सी पी तो अगर आप डेल्टा क्यू का फॉर्मूला लिखोगे ना इट विल बी एन सी पी डेल्टा टी Whereas internal energy is function of volume only. तो उसको हम लिखते हैं n c v d t. Do you remember this logic I told you in thermodynamics? Yes. Internal energy में c v आता है और q में mostly c p आता है. ये होने के बाद work done का formula होता है pressure into volume. ये भी याद होगा. Work done pressure into volume होता है. Okay. We also know p v equals to n r t होता है. Ideal gas equation. So that is why PdV will be equals to NR
dt. So we are going to substitute it at the top. So once we substitute, we are going to get ncp dt equals to ncv dt plus p ke jaga likhenge p nr dt. We can take n common and cancel out. What do we get? अच्छा dt भी cancel हो रहा है ना, इसको भी हटा देते हैं अगर इधर से. So हमें क्या मिलता है, cp equals to cv plus r. Taking cv to the left hand side, we get cp minus cv equals to r. आ गया. खत्म, चालू होते ही खत्म. properly concept समझाइए. ओके वेरी गुड. मेयर्स रिलेशन भी हो गया. वी आर डन विथ केटी जी. फिर भी मेरे को एक बार एनसीईआरटी देखने दो. तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो भी बचा कुछ टॉपिक है वो करेंगे और फिर एनसीईआरटी के सम सॉल्व करेंगे केटी जी के. तो व्हाट आई वांट यू टू डू फॉर काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस के होमवर्क के लिए, जो भी आज डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ है उसके नोट्स लिखने हैं. लिखने मतलब राइट करने. If you are not maintaining the notes, you can do it in the rough and send me as a homework. Okay? So ये homework रहेगा आपका. Also, as I said, मैं इसी topic के ऊपर viva पूछूंगा next lecture में. तो जो भी है आज के lecture में जो भी हुआ degree of freedom and Mayer's relation, you have to remember it. Okay? That's it. Bye bye. Take care. ये degree of freedom direct लिखना है कि पूरा एक एक का find out करके. Find out करके लिखना है. जैसा notes में दिख रहा है वैसे. ओके okay. और किसी को कुछ लो सर, ये अभी आपने जो एडिट किया और कुछ लिखा नोट्स में वो हाँ, है सर वो भेज देना. क्या एडिट किया और लिखा? एडिट किया हुआ भेज देना. मैंने कुछ एडिट किया नहीं. नहीं कुछ नहीं ऐड किया मैंने. क्या ऐड किया? कुछ नहीं. वो अनटाइटल में कर रहा था. अरे इसमें कर रहा था इसमें सर. मतलब दिखाओ ना, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं. क्या बोल रही है? स्क्रीनशॉट में सब कुछ है क्या? नोट्स में सब कुछ है. ए गाइस, केटीजी का नोट्स ग्रुप पे कोई सेंड कर दो ना फिर से. अंधेरी वाले अंधेरी में कर दो, कांदिवली वाले कांदिवली में कर दो, प्लीज कोई तो एक कर दो. ओके दैट्स इट. एंड डोंट ट्राई टू चीट इन योर होमवर्क. हां सर, दिखाया नहीं आपने शायद.